में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा, तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। हमने इनको कहा कि आप फालतू इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने की ज़रूरतें नहीं है। 2005 में आपने हमको मंत्री बनाया था और लोगों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गया है, तो 4 घंटा के अंदर हमने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप चाहते कि मुख्यमंत्री पुनः हम बनना चाहते तो हम इस्तीफा दे देते, इसमें कहीं कोई दबाव नहीं। लेकिन ये बहुत लोगों के कहने पर क्या क्या उस समय कारगुजारी की आप लोग सब लोग जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइया जात और मूसा जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है, और आज जब हम विधानसभा में आरक्षण पर बोलने की बात किया, हम अगर न बोलते तो कौन बोलता। आज हम 43 वर्ष से यहाँ का सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह करके और मंत्री पद पर रह करके, राजमंत्री के पद पर रह करके, उपमंत्री के रह करके हमने जो अनुभव किया, अनुभव शेयर करना चाहते थे। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को उचित हक मिले, इसी के लिए हमने कहा कि आज 16% आरक्षण है, लेकिन आप जाके हैं कि कितना आरक्षण लाभ है और कितना लोग लाभान्वित हुआ है। आज हुआ है 7% आरक्षण है, इसको कौन देखेगा। आज 15 साल से ही हैं, इनके बड़े भाई छोटे भाई भी 15 साल से, 30 साल से, आज 75, 73, 74 वर्ष हो गया। आज हम लोग मात्र 7 और 8% है, हमारा होना चाहिए 16%। अब जब ये आगे बढ़ा रहे हैं 20% कर रहे हैं, तो 20% करने से क्या फ़ायदा है जब ये नहीं देखेंगे कि हमको 20% लाभ मिलता है या नहीं। यही कहना चाहते थे लेकिन इस बात को सुनना नहीं चाहते थे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण प्रमोशन में कि साहब आप स्टेटस को रखिए, लेकिन स्टेटस को दूसरे राज्यों ने रखा, लेकिन ये स्टेटस को नहीं रखा और सामान्य वर्ग के लोगों को प्रमोशन दिया और शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन को कैप्टन अवेयंस रखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब करेंगे। यही हम कहना चाहते थे, ऐसा दुवातिया बात मत बोलिए। इनसे टेलीफोन पर बात करके भी हमने कहा था, तो हमसे कहा था इन्होंने कि नहीं, दोनों को प्रमोशन हम साइमल्टेनियसली देंगे। लेकिन जब देने की बात आई तो सामान्य वर्ग का प्रमोशन मिला, अच्छी बात है, उनका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण होना चाहिए था जो नहीं हुआ, यही कहना चाहते थे। अब आगे आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं, इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखें। हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले, यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और, ये बार बार कहते हैं, 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है, उस समय NDA में थे, तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है, हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल 2 जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब जवाब दिखलाना चाहते थे, अपने तरफ कहते थे आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, हम क्यों उनके पार्टी में जाते। हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, गरीबों के लिए बनाया है, 34-35 निर्णय अपने मुख्यमंत्री काल में लिया है, इसको इन्होंने मर्सिलेसली कुछ नहीं देखा, सबको कैंसिल कर दिया। अगर वो आज रहता लागू होता तो आज बिहार की स्थिति आगे बढ़ती। आज ये फिजूल खर्ची में पड़े हुए हैं, बताइए
नया म्यूजियम हाउस से पुराना म्यूजियम हाउस में अंडरग्राउंड जो बनाया जा रहा है 6,000 करोड़ रुपया की क्या जरूरत थी। और दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि आज पैसा है तो आज गरीबों को जो 60 वर्ष 70 वर्ष गुजार दिया उनको पेंशन देना चाहिए। अगल बगल के लोगों को 1,000 रुपया 1,500 रुपया और 2,000 पेंशन मिलता है। यहाँ 200 रुपया पेंशन मिलता था जिसको 200 हम बढ़ाया 400 रुपया मिलता है। उससे कोई फायदा होने को है क्या? उसी पर नहीं हमको 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 दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा समूचे दुनिया थू थू कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। बस